हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट लोग कन्फ्यूज हैं कि 18 तारीख का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था और 18 तारीख का एग्ज़ाम 1 तारीख को लिया जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या 18 के बाद जितने सारे एग्ज़ाम थे 19, 20, 21 ये सब भी एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं या नहीं हुए, क्या इनका एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको मैं ये बताने वाला हूँ। और दूसरी बात ये कि स्टूडेंट लोग बहुत सारे ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर आप वीडियो नहीं बना रहे। तो देखिए दोस्तों, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और सोशियोलॉजी का मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना दिया है। अभी हम रूम पे नहीं हैं, मेरा भी एग्ज़ाम चल रहा है। मुझे ये बात पहले ही पता था कि मेरा और आप सभी के एग्ज़ाम एक ही मंथ में आएगा, इसलिए मैंने आप लोगों के लिए पहले ही वीडियो बना करके रेडी कर दिया। प्लेलिस्ट में जाइए और आप लोग देखिए, ठीक है। सिर्फ एग्ज़ाम 18 तारीख का ही कैंसिल हुआ है। 18 तारीख के बाद जितने सारे एग्ज़ाम हैं 19, 20, 21 वो सब टाइम पे होंगे। जिनका फर्स्ट सिटिंग में है फर्स्ट सिटिंग में होगा, सेकंड में, मतलब सब कुछ सेम है। सिर्फ 18 तारीख का एग्ज़ाम जो था वो 1 तारीख को चल गया है, बाकी सब कुछ सेम है। किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए और एग्ज़ाम दीजिए। सिर्फ 18 तारीख का एग्ज़ाम जो था वो 1 तारीख होगा, बाकी जिसका 19 का है वो 19 का होगा, जिसका 20 का है वो 20 का होगा, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई दिक्कत नहीं है और भी कोई भी एग्ज़ाम एक्सटेंड नहीं हुआ है। सिर्फ 18 तारीख का ही एग्ज़ाम एक्सटेंड हुआ था 1 तारीख को, बाकी सब सेम है, ठीक है। बाकी सारा इन्फॉर्मेशन मैं देता रहता हूँ चैनल पर। अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।